स्वागत है आपका आज के नए तड़कते भड़कते और सेलिब्रेट करते हुए एक नए व्लॉग में। आप जो देख रहे हैं अभी इसे अनवील करेंगे हम थोड़ी देर में तुषार भैया के आने के बाद। तुषार भैया आज इसकी डिलीवरी ले रहे हैं क्योंकि आज उनका बर्थडे भी है, तो आज इसको सेलिब्रेट भी करेंगे, डिलीवरी भी करेंगे। एक बाइकर के लिए उससे बढ़िया बर्थडे गिफ्ट और वो भी क्या सकता है। जल्दी जल्दी ऑफिस का सारा काम निपटाया, उसके बाद में आज मैंने हाफ डे लिया। बिकॉज आज हम सारे बाइकर्स यानी कि हमारा जयपुर सुपर बाइकर पूरा ग्रुप आज यहाँ पे असेंबल होगा, बर्थडे सेलिब्रेट भी करेंगे, डिलीवरी भी करेंगे। साथ के साथ मैंने आज कुणाल को भी बुला लिया था कि भाई तू भी आ जा, तुझे भी बाइक का शौक है, बाइक देखने की इच्छा है और थोड़ी बहुत मेरी हेल्प भी हो जाएगी। सो अभी हम लोग पहले एक शोरूम टूर लेते हैं जिसमें कि और भी बहुत सारी बाइक्स जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये सारी बाइक्स कौन कौन सी है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। निंजा 300 और अगेन एक और निंजा 300 अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन में आ रही है। ये वाइट ग्रीन और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में क्लैरिटी एडिशन हो जाती है। ये प्योरली ब्लैक और ग्रीन है, वो भी प्योरली ब्लैक और ग्रीन है, बट थोड़ा बहुत कुछ कलर का डिफरेंस है इसमें। साथ ही इधर देखिए फुल फेरिंग में ही आपको निंजा 650 ये और मिलती है। ये हालांकि 2 सिलेंडर बाइक है बट एक बिगिनर के लिए बहुत अच्छी बाइक आ जाती है। सेम इंजन कैपेसिटी के साथ में ही उसका नेकेड वर्जन आ जाता है अपना Z650, ये भी अगेन सिलेंडर में ही आ जाती है। इनकी सबकी डिटेल वीडियो में अभी आपको और दिखाऊंगा, बताऊंगा कि क्या क्या इस बाइक में खास आता है। साथ में इधर आप देखें तो इधर आ जाती है निंजा 1000, ये एक स्पोर्ट्स ट्यूनर बाइक हो जाती है जिसमें आपको इसका हैंडल बाउंड जो है थोड़ा सा ऊपर आता है, तो ये लॉन्ग राइड में आपको कम्फर्टेबल होती है। सच ए ह्यूज बाइक, आपको वीडियो जस्टिफाई नहीं करेगा बट जब आप आते हैं जस्ट इमेजिन करके देखिए मेरे साथ कितनी बाइक का इसका कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। ये बाइक उतनी ही ह्यूज है, उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है और इसका परफॉर्मेंस उतना ही आउटस्टैंडिंग है। ये वर्सेस 1000 इनलाइन 4 सिलेंडर, जनरली जो आपको इस तरह की एडवेंचर बाइक मिलती है वो 2 या मैक्सिमम 3 सिलेंडर आती है, दिस इज इनलाइन 4, सो परफॉर्मेंस के साथ साथ साउंड का बेस में मजा आता है। आप लंबी राइड पे जाते हैं तो आपको अपना सामान रखने के लिए उसके ऊपर जब टेल बैग आप रखते हैं तो ये आपको बहुत अच्छे से ग्रिप देते हैं, उसके लिए बना हुआ है। सर डिटेल में हम बात करें तो ये है 300cc की बाइक, इनलाइन 2 सिलेंडर इंजन हो जाता है और इसमें अपने को 39 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 40 bhp की पावर मिल जाती है। एक 300cc की बाइक के हिसाब से काफ़ी अच्छा पावर परफॉर्मेंस मिल जाता है। एंड डेफिनेटली फुल फेयरिंग बाइक है तो इसकी एयर कटिंग और राइडिंग मोड पोस्चर बहुत अच्छा और स्मार्ट मिल जाता है। पीछे आप इसमें देखें एग्जॉस्ट के साथ साथ अपने को इधर टायर सेक्शन भी काफ़ी अच्छा और इंप्रेसिव मिल जाता है। टेल सेक्शन भी आप देखें तो टेल टैगी वगैरह अगर लगाएं तो गाड़ी प्रॉपर स्पोर्टियर लुक देती है। एंड पीछे इसके ग्रैब रेल्स वगैरह दे दिए हैं, अगर आप लंबे टूर वर्ल्ड पर जाते हैं तो इससे आप अच्छे से अपनी सैडल बैग वगैरह लगा सकते हैं। अब आप आगे आते हैं तो 300 का ही बड़ा भाई यानी कि 650cc इंजन मिल जाता है। अगेन वही 2 सिलेंडर इंजन है बट इसमें आपको अपग्रेड जो मिलता है 2022 में जो मॉडल आए हैं जिसमें LED लाइट्स आ गए हैं, इसके साथ में अपने को डबल डिस्क ब्रेक्स आ जाते हैं विद ABS है डेफिनेटली, ये तो अपने सेफ्टी के लिए है ही। और इसके बाद अगर पावर की बात करें तो ये 68 bhp में आ जाता है। TFT डिस्प्ले स्क्रीन भी आ जाता है जो आपको प्रॉपर सारी इन्फॉर्मेशन देता है और इसमें अब अपने को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह बहुत ही अच्छी चीज़ मिलने लगी है। पीछे भी आप देखें तो एज ए चीज वैसे तो सिमिलर है बट डेफिनेटली गाड़ी उससे थोड़ी और मॉडर्न लगती है, तो अपने को एक स्पोर्ट्स बाइक का जो है प्रॉपर फील देती है। एंड अगेन सिबलिंग्स में ही बात करें तो ये वही सेम इंजन है, सेम पावर है, सेम परफॉर्मेंस है बट ये नेकेड स्पोर्ट्स बाइक आ जाती है। आपको सिटी के अंदर मैन्यूवर करने के लिए इससे बढ़िया बाइक और कुछ भी मिल सकती है। इंजन पावर परफॉर्मेंस स्मूथनेस और उसके साथ साथ लुक्स इंप्रेसिव है बॉस। डिस्प्ले की जो हम बात कर रहे थे, TFT डिस्प्ले स्क्रीन आ जाता है, इसमें अपने को सारी इन्फॉर्मेशन लाइक किलोमीटर्स एंड RPM वगैरह तो नॉर्मल होती है
टाइम और उसके बाद में अपने को जो फ्यूल है, ब्लूटूथ वगैरह जो इन्फॉर्मेशन में सारी बता रहा था वो सब इसमें आपको प्रॉपर मिल जाती है। अच्छा, अब आगे आने के बाद देखते हैं हम वर्सेस को 1000 सीसी और 120 बीएचपी पावर के साथ में एक बहुत अच्छा एडवेंचर टूरल और स्पोर्ट्स बाइक के से कॉम्बिनेशन में आ जाती है, जिसमें हम देखें अगेन एज इट इज यूएसडी शॉपर्स हो जाते हैं, जिसका शॉपर ट्रेवल एज इट इज अपने को काफ़ी अच्छा मिल जाता है, नॉट जस्ट लाइक अदर एडवेंचर बाइक्स बट स्पोर्ट्स बाइक या और एडवेंचर बाइक के कंपेरिजन में अपने को काफ़ी अच्छा मिल जाता है, जबकि आप 9-4 सिलेंडर और इस तरह के कॉम्बिनेशन में बात करते हैं। सीट हाइट भी काफ़ी अच्छी है, इनफैक्ट इसको देखें तो कुशिंग भी काफ़ी कंफर्टेबल आ जाती है, पीछे इसके पहनने वगैरह लगाने के लिए ऑलरेडी इसमें आ जाता है। रियर टायर सेक्शन भी देखें तो इसमें हम लोगों ने कुछ नोटिस अगर किया हो तो इसके टायर सेक्शन भी इस तरह से हैं कि जस्ट आपको अगर फास्ट राइड करनी है, रोड पे जाना है, ऑफ रोड पे जाना है, तो एक बेटर कॉम्बिनेशन है, नॉट जस्ट एंटी एनर्जी बट चलिए ये तो हुआ एक छोटा सा शोरूम टूर, अब आपको कुछ एक सिनेमेटिक्स शॉट्स दिखाता हूँ, आप उसे एंजॉय करिए, मीनवाइल जब सब लोग आते हैं फिर हम साथ में मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। वेलकम बर्थडे बॉय, वेलकम बर्थडे बॉय, हैप्पी बर्थडे भैया, हैप्पी बर्थडे। बर्थडे बॉय डिलीवरी की फाइनल फॉर्मेलिटी कंप्लीट करते हुए कुछ मोहरत वोरत रखा हुआ है क्या अपन ने? कावासाकी का अब तक का सबसे डिफरेंट कलर है ना? यस, वो है ना फर्स्ट स्टार्ट 22 चली गई, देखिए एक ही चली गई। अरे व्लॉग में आ गया, इसको काट दूंगा। तालियां बजा दो। Yeah.